छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 नवंबर को डूबते सूर्य और 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य उपासना के महापर्व छठ को मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां सुनिश्चित की हैं। इसके लिए सभी घाटों पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी घाटों पर नाव की व्यवस्था की गई है। लाइटिंग, साफ सफाई के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की गई हैं। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि छठ पर्व को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी पूर्वक हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व को मनाएं और अपना तथा अपने बच्चों का भी ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जनपद के सम्मानित सभी वासियों के लिए पूरे जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी पावन पर्व पर शुभकामनाएं। अभी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कर ली गई है। सभी घाटों पे, पूजा स्थलों पर सफाई की व्यवस्था, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, वहाँ पे हमारे मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ सारे अवस्थापनाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। निरंतर सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निरंतर रूप से भ्रमण करते हुए समीक्षा की जा रही है। अगर कोई भी कोई सूचना मिलती है या कोई उपद्रव करने के प्रयास करता है तो तुरंत हमें प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को या थाने को सूचित करें ताकि हम तुरंत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करा सकें।